टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश में सरकार ने स्कूली बच्चों को मूंग का वितरण शुरू कर दिया है। बच्चों को दिए जा रहे 10 और 15 किलो मूंग आगे बाजार पर विपरीत असर डालते दिख रहे हैं। नर्मदापुरम बेल्ट में मूंग का उत्पादन जोरदार हुआ है। गर्मी की मूंग की आवक शुरू हुई थी, अब सरकारी मूंग के वितरण की घोषणा देख किसान माल रोकने में जुटे हैं। व्यापारियों के अनुसार मूंग का जितनी मात्रा में वितरण स्कूली बच्चों को किया जा रहा है, संभव ही नहीं है कि 10 या 15 किलो मूंग कोई परिवार एक दो महीने में भी खा सके। सरकारी वितरण का यह मूंग अभी से बाजार में 35 से 40 रुपए किलो में बिकने आने लगा है। इसके दबाव से मंडी में मूंग के दाम घटेंगे और व्यापारियों के साथ किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। शुक्रवार को इंदौर मंडी में नई मूंग की आवक कम देखने को मिली, जिससे मूंग के घटते दामों में रुकावट आई है। मूंग बेस्ट क्वालिटी 6350 से 6450 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। दूसरी ओर मसूर में ऊंचे दामों पर ग्राहकी का समर्थन नहीं मिलने और मुनाफा वसूली की बिकवाली रहने से भाव में आंशिक गिरावट रही। मसूर घटकर 6750 रुपए क्विंटल रह गई। दूसरी ओर मसूर 2021-22 के लिए सरकार के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार 2020-21 के 14.9 के अंतिम अनुमान के मुकाबले मसूर का उत्पादन 14.4 लाख टन का है। उत्पादन अनुमान में आई कमी को ध्यान में रखते हुए मसूर का भविष्य लंबी मंदी का नहीं है। वर्तमान में मसूर की आयात पड़ताल ऊंची बैठ रही है, जिससे भी बाजार ज्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। उड़द और तुअर में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। वहीं चने से बने उत्पाद बेसन में मांग छुटपुट रहने के कारण मिलों की चने में अच्छी पूछ परख बनी हुई है, जिससे चने के दाम अभी हाल फिलहाल में कुछ तेजी पर टिके हैं। इंदौर में चना कांटा 4800 से 4850 रुपए प्रति क्विंटल पर बोला गया। दालों में कामकाज जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जिससे भावों में स्थिरता बनी हुई है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।